आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पावर बीआई, और पावर बीआई में हम बात कर रहे हैं फंक्शंस की। सबसे पहले डेटा को लोड करते हैं ताकि हम फंक्शन को यूज कर सकें। लास्ट क्लास में हमने आपके साथ टेक्स्ट फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था कि टेक्स्ट फंक्शन क्या है और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। आज हम उसी टेक्स्ट फंक्शन से आगे बढ़ेंगे, और टेक्स्ट फंक्शन में कुछ चीजें थी जो मैं लास्ट क्लास में कवर नहीं कर पाया था, वो हम आज इसमें कवर करेंगे। और ये वीडियो हमारा YouTube पे जाएगा, तो अगर आप YouTube से हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो आपका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा, नहीं तो IPT इंडिया सर्च कर लीजिएगा, आपको दिख जाएगा। ओके तो ये डेटा हमारा लिंक हो चुका है, राइट। तो डेटा में जाते हैं, और हमने लास्ट क्लास में बात की है कि कैलकुलेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, ये हम डिस्कस कर ही चुके थे। अब इसमें आपके सामने डेट दिख रहा है, राइट। तो एग्जाम में आपको याद होगा टेक्स्ट फॉर्मूला। तो टेक्स्ट फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी तरह के फॉर्मेटिंग को लेने के लिए आपका टेक्स्ट फॉर्मूला यूज होता है। तो इसमें भी आपका जो है, मान लीजिए कि इसमें से मुझे आपका मंथ है, मुझे इसमें क्या है कि ईयरली ग्रुप ईयर, इसमें से मुझे जो है मंथ और ईयर को अलग करना है। जैसे जैन 2019 ऐसे डेटा होना चाहिए ताकि हम मंथली रिपोर्ट्स बना सकें, राइट सर। तो मॉडलिंग में जाते हैं और यहाँ न्यू कॉलम पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे MY कर देते हैं मंथ ईयर, और यहाँ पे अभी यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मूला वर्क नहीं करता, ध्यान रखिएगा इसमें टेक्स्ट फॉर्मूला आपका नहीं होता है, राइट। तो इसमें हम लगाएंगे फॉर्मूला फॉर्मेट का, फॉर्मेट कौन सा चाहिए, तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया डेट का। डेट तो ये आपका डेट फॉर्मूला आ गया। अगर डेट देते हैं तो ध्यान रखिएगा कि डेट में आपका ये जो आपका एफएक्स दिख रहा है ना, एफएक्स दिख रहा है मतलब कि फंक्शंस है, और यहां आपका सीट दिखा मतलब कि सीट का कॉलन है, तो इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं इसी से रिलेटेड। डेट में से मुझे इसमें से अलग करना है MM-DD YY। तो मेरे पास ऑलरेडी मंथ ईयर डे का फॉर्मूला है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो आपका डेट जो है वो अलग अलग नंबर्स में अलग करते हैं, लेकिन फॉर्मेट में अपने हिसाब से जैसा मर्जी वैसा डाल सकता हूं। आप देख सकते हैं आगे, राइट। तो ये आपका हमारा फॉर्मूला क्लियर है। तो ये फॉर्मेट का फॉर्मूला आप किसी डेटा में से किसी भी चीज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लियर सर। अब मान लीजिए कि मुझे इसमें कुछ और टेक्स्ट, कुछ ऐसे टेक्स्ट चाहिए, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे, मान लीजिए हर डेट की जो बिलिंग पीरियड है 30 दिन की होती है, तो मुझे यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच में 30 दिन का गैप देना, मैं कि स्टार्टिंग डेट हो गया और इसके 30 दिन बाद अगली डेट दिखेगी यहाँ पे। तो न्यू में आते हैं और यहाँ पे डेट में डालते हैं बिलिंग सर्कल, BC के नाम से हम कर देते हैं। अब मान लीजिए कि मैंने क्या किया इसमें, हमें कॉनकेटानेट करना है ना, तो यहाँ हमारे पास कॉनकेटानेट का फॉर्मूला होता है कॉनकेटानेट, और कॉनकेटानेट में हमने सेलेक्ट कर लिया डेट। तो कौन सा डेट, ध्यान रखिएगा सीट का डेट, सीट का डेट कॉमा, हमने यहाँ पे दिया स्पेस 2 कॉमा, और यहाँ पे फिर हमने दे दिया सीट डेट प्लस 30 करता हूं, तो यहां पे देखिए क्या आएगा, एरर आया। एरर क्यों आया इसमें, अच्छा मैक्सिमम आर्गुमेंट 2, ओके। तो ये जो कंकरेंट वैल्यू है इसमें 2 आर्गुमेंट से ज्यादा आप नहीं रख सकते हैं, एक्सेल की तरह नहीं मल्टीपल आर्गुमेंट को ले सकता है।
ये आपका देखिए यहाँ पे टू लिखा हुआ आ गया कौन कौन डाटा निकाल दो ना, क्या कौन कौन डाटा निकाल दो, वो क्या लगा इसकी जगह डायरेक्ट डालो एंड एंड करके हाँ तो लेते हैं ना इसमें। हाँ एंड अगर आप यहाँ पे एंड परसेंट लगाते हैं मुझे एक मिनट, तो क्या इसमें हम डाल सकते हैं, हालांकि मैं एंड यहाँ पे कभी लगाया नहीं है, हम कॉन्केट ही लेते हैं। एंड एक्सेल बहुत यूज करता हूँ, वीवीए भी बहुत यूज करता हूँ मैं, यहाँ भी वही बात है। तो कॉन्केटा नेट फॉर्मूला कभी भी मल्टीपल टू कैरेक्टर्स को नहीं लेता है। लेगा वो उसका कॉल, ये हटाओ ब्रैकेट हटाओ, क्या ब्रैकेट हटाओ, पीछे का ब्रैकेट, ब्रैकेट 30 के आया पीछे का, तो यहाँ पे आपके सामने अभी इसमें जो डेट का फॉर्मेट दिया ना सर, ये अपना खुद का फॉर्मेट दिया, दिख रहा है ना आपको सर, इसमें आपको खुद का फॉर्मेट दिया। इसमें भी हम फॉर्मेट फॉर्मूला लगाते हैं ताकि इसमें जो ओ हो आपका अपना डेट का फॉर्मेट आए जो आप चाहते हैं, समझे। तो फॉर्मेट फॉर्मूला हम जो ज्वाइन करते हैं वहां भी यूज करते हैं। रहा आपके सामने, अच्छा तीन बार वाई वाई कर दिया इसलिए दिक्कत हो गया, तीन बार नहीं कीजिएगा, चार बार कीजिएगा या फिर दो बार कीजिएगा, तो सही है। तो अब जैसे कि एन परसेंट में आप मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं, कॉन्कैटेनेट फॉर्मूला में सिर्फ दो ही कर सकते हैं, एक और आता है कॉन्कैटेनेट टेक्स्ट, कॉन्कैटेनेट नेट में आपका एक जो आता है वो आता है आपका टेक्स्ट आता है, एक नया फॉर्मूला है, ये आपका एक्सेल में नहीं है, कॉन्कैटेनेट एक्सेल में है बट यहाँ नहीं है। और एक और फॉर्मूला होता है कॉन्कैटेनेट स्ट्रिंग, और एक होता है कॉन्कैटेनेट एग्जैक्ट। तो लास्ट क्लास में एग्जैक्ट हमने किया था ना आपको सर, नहीं लॉजिकल फॉर्मूला में एग्जैक्ट बताया था ना आपको मैंने, ये दोनों हाँ वो एग्जैक्ट वो मैचिंग पर्सन ना, हाँ मैचिंग पर्सन, तो भी आपका एग्जैक्ट मालूम, कॉन्कैटेनेट एग्जैक्ट इसी तरह से यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आप बात करते हैं कॉन्कैटेनेट टेक्स्ट का। तो जैसे कि यहाँ पे एक हम आईडी क्रिएट करना चाहते हैं, एक आईडी क्रिएट करना चाहते हैं, और आईडी में यहाँ पे हम लेना चाहते हैं सेल्स मोड। तो यहाँ पे कॉन्कैटेनेट टेक्स्ट अगर आप कर देते हैं, इसमें बता देता है कि ऑल चाहिए या ऑल एक्सपेक्ट चाहिए, क्या चाहिए इसमें, ये आपका रिटर्निंग रो होता है, टेबल क्या है, जैसे कि ऑल टेक्स्ट कैलेंडर है, क्या है सब इसमें फंक्शन है क्या, ये उसके भी अलग, हाँ इसके अलग ही तो ये है आपका, लेकिन इसकी जरूरत तो हम लेते नहीं है, ये फंक्शन दिखा रहा है कि क्या होना चाहिए, लेकिन इसमें हम टेबल ये देते हैं, ये क्या बोलते हैं हम देते हैं सेल्स, शीट वन कॉमा एक्सप्रेशन टेक्स्ट अलग है इसमें, एक्सप्रेशन दोनों के बीच में क्या गैपिंग आना चाहिए, नहीं एक्सप्रेशन में आपका सेल्स में लिंकर में स्पेस आना चाहिए, और शॉर्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए आपका, हमने वन कर दिया, बाकी कुछ जानने की जरूरत नहीं है। क्या आ गया ये, बेसिकली इसका यूज हम डेटा टेबल में नहीं करते, इसका यूज करते हैं रिपोर्ट्स में, हम इसी मेजर्स में इसका यूज करते हैं, क्या करता है कि पूरे कॉलम का कॉन्कैटेनेट करके दे देता है, पूरे कॉलम का कॉन्कैटेनेट करके दे दिया है।
जो भी डेटा है सारे डेटा का। पूरे इसका और इसमें सेपरेटर इसने कॉमा लगा दिया हुआ है, दिख रहा है ना सर आपको? ये हम यूज करते हैं मेजर्स में, जैसे कि आप रिपोर्ट बना रहे हैं उसमें आपको कई सारे नेम को आप मान लीजिए कि आपने एक ऑल एक सेल्स निकाला हुआ है, ऑल टीम सेल्स का। तो टीम सेल्स में टीम मेंबर में मान लीजिए आपके 5 टीम मेंबर है, तो पांचों का नाम वहां पे कंबाइंड करके शो करना चाहते हो ना सर, वहां इसका यूज करोगे। इसको हम आगे की क्लासेस में आपको हम समझाएंगे इसको कैसे करते हैं मेजर्स में। और इसी तरह से आपका जो है कोलकाता, कोलकाता नेट स्ट्रिंग कॉन्टेक्स्ट स्ट्रिंग है, दोनों दो विद इन टेक्स्ट के अंदर में ये मर्ज करने का काम करता है। इसका भी यूज हम ये करते हैं अलग चीजों में। मेजर्स पे करते हैं इसका भी। ठीक है, देखते बाद। हेलो, हेलो, चलिए तो इसमें टेक्स्ट फंक्शन में अगला फंक्शन एग्जैक्ट हम कर ही चुके हैं, फाइन कर ही चुके हैं, फिक्स कर ही चुके हैं, वैल्यू। हाँ अगर कभी कोई टेक्स्ट मान ले कोई नंबर जो है हमारे टेक्स्ट फॉर्मेट में है तो आप वैल्यू फॉर्मूला लगा सकते हैं। ट्रिम फॉर्मूला तो आपको आता ही है, राइट लेफ्ट क्या? आता है, एक ट्रिम फॉर्मूला तो आपको आता हाँ है सर। हेलो, हाँ कौन सा? पिंग ट्रिम ट्रिम ट्रिम, ट्रीम? हाँ ट्रीम, हाँ वो तो स्पेस हटाने के लिए ना। हाँ। और लेफ्ट लो लेफ्ट राइट बताया दिया आपने, लोअर अपर मिडल ये भी आपको आता ही है, फॉर्मेट हाँ बता ही दिया आपको, हाँ फॉर्मेट आपको बता ही दिया मैंने आपको। हाँ एक ब्लैंक सेल होता है जो कि ब्लैंक रिटर्न करता है, लेकिन इसका हमें यूज लग नहीं रहा कि कुछ यूज होगा सर ब्लैंक का। ब्लैंक मतलब अगर ब्लैंक ब्लैंक में से कुछ रिटर्न करता है, वैल्यू। रिटर्न द ब्लैंक, जस्ट ब्लैंक बोल देता हूँ। ब्लैंक है तो वो ब्लैंक लिख देता है बस। जैसे मान लीजिए इफ कंडीशन आप लगा रहे हैं ना, इसका इफ में यूज होता है सर। जैसे इफ कंडीशन आप लगा रहे हैं और चाहते हाँ हैं कि वैसे मान लीजिए इसी है में क्वांटिटी, मैं चाहता हूँ क्वांटिटी अगर ग्रेटर देन क्वांटिटी अगर ग्रेटर देन 50 50 है तो 500 है, अदरवाइज हमें कुछ एल्स रिजल्ट कुछ नहीं देना है, ठीक है? तो यहाँ पे हम कर देंगे जैसे कि यहाँ पे INC कर ID रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोलकाता इसमें कोलकाता टैक्स को हटा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कंडीशन है कि इफ क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 50 तो यहाँ पे 500, अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं इस तरह से उठा के छोड़ देते हैं ना ब्लैंक। इसमें एरर आ गया क्योंकि इसमें जो है आपका ये ब्लैंक हाँ एक्सेप्ट नहीं किया इसने, वो नंबर है तो वो टेक्स्ट नहीं लेगा। हाँ तो यहाँ पे आप ब्लैंक का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ब्लैंक ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, ठीक है ना सर? हाँ सर। आप इसका यूज कर सकते हैं कहीं पे जीरो नहीं देना चाहते हैं तो। कोई कई बार होता है ना सर कि अगर आपने जीरो दे दिया, जीरो दे दिया, जैसे मान लीजिए कि किसी ने अब जैसे एक बार हम लोग डेटा आया था कि अटेंडेंस है, तो हाँ अटेंडेंस किसी ने ज्वाइन मतलब किसी ने अटेंडेंस जीरो है, सेल्स जीरो है, आप सेल्स के अकॉर्डिंग अटेंडेंस समझते हैं, तो अगर सेल्स में जीरो है इसका मतलब है कि उसने उसकी अटेंडेंस है बट सेल नहीं कर पाया, और उसकी सेल्स ब्लैंक है इसका मतलब है कि वो उस पूरे मंथ आया ही नहीं। उसका वो फॉर्मूला एवरेज में लगाने पर भी प्रॉब्लम देता है। हाँ तो इसलिए एवरेज में ही प्रॉब्लम देगा, इसलिए ब्लैंक की हम लोग करते हैं ताकि एवरेज वगैरह में दिक्कत ना हो। ओके तो मैंने टैक्स कैटेगरी के फॉर्मूले को खत्म कर दिया है, हाँ अब ये होगा टैक्स में होगा डेट एंड टाइम की कैलकुलेशन, ठीक है? हाँ तो हम दूसरी कैटेगरी खत्म कर चुके हैं, तीसरी कैटेगरी मतलब कि हमने पहले ऑपरेटर्स को किया, देन हमने इफ कंडीशन को किया, देन हमने टेक्स्ट फॉर्मूला किया। अगली कैटेगरी हमारे डेट एंड टाइम की है जो कि हम आपके साथ कल डिस्कस करेंगे।